नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर छठ महापर्व से जुड़ा हुआ है, जो आज धूमधाम से मनाया गया। प्रथम अर्घ के दिन गंगा तटों पर, घरों में या तालाबों में काफी धूमधाम से छठ महापर्व का प्रथम अर्घ मनाया गया। इस मौके पर अस्तलगामी सूर्य को आज अर्घ दिया गया। सूर्यास्त जो होता है उसे भी हमारी परंपरा के अनुसार अर्घ दिया गया। डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया गया। प्रथम अर्घ के दिन काफी भीड़ देखी गई गंगा तटों पर, लोग घरों में भी मनाए, खासकर वैसे जगहों पर जहां की दिक्कत है, परेशानी है। हालांकि इस बार साहेबगंज के गंगा घाटों में काफी परेशानी देखी गई, पानी की कमी देखी गई, कीचड़ काफी ज्यादा था, लेकिन उस सब पर उत्साह काफी भारी पड़ा और लोगों ने धूमधाम से प्रथम अर्घ मनाया। साहेबगंज से लेके महाराजपुर, राजमहल, बड़रवा सहित क्षेत्रों में धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर क्या रही स्थिति, कैसी रही लोगों में उत्साह, आइए हम भी जायजा लेंगे। इससे पहले मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, हम लोगों को इसमें ध्यान देना है, टीकाकरण पर ध्यान देना है। खासकर जिन्होंने टीका नहीं लिया उन्हें उत्प्रेरित करना है। जिले के उपायुक्त ने भी टीकाकरण के प्रति लोगों को आग्रह किया है, अपील किया है, आप भी इसमें शामिल होकर देश और समाज का सेवा करें। कोरोना महामारी से बचने का छठ माह से एक आग्रह करें, अपील करें, एक दुआ करें कि ताकि कोरोना से हम सबों को मुक्ति मिल सके। इसका सबसे सीधा उपाय है कि हम लोग वैक्सीनेशन करें, आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करें। आइए पहले छठ घाटों का जायजा लेते हैं, उसके बाद उपायुक्त के संदेशों को भी सुनते हैं जो उन्होंने कोरोना को लेकर दिया है।
कल थोड़ा एनालिसिस किया था, उसमें दो चीज़ें बड़ी विचित्र हमको मिली, जिससे कि जैसा कि 60 प्लस के जो एज के जो हमारे एल्डरली पीपल हैं उनका कवरेज अगर हम देखते हैं टोटल ओवरऑल एज ग्रुप में तो उनका सबसे कम है। साथ ही साथ फीमेल का जो कवरेज है वो 45% ही है, जबकि 58 से ऊपर मेल का कवरेज है। अब फीमेल्स को जैसे छठ में आप देख रहे हैं, हमने एक अनाउंसमेंट किया है कि छठ घाट पे हम उन्हीं को अलाउ करें जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, क्योंकि वहाँ क्राउड होने की संभावना है और आप जानते हैं कि डिजीज जो है क्राउड से फैलता है। तो हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराएं प्लीज़ कृपया करके चाहे तो मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से चाहे तो CVC में जाकर अपना वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज एटलीस्ट ले लें, अदरवाइज हम लोग छठ घाट में उसको अलाउ नहीं करेंगे।